टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा फिटनेस टेस्ट पास कर ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। बीसीसीआई साफ कर चुका है कि 14 दिसंबर को रोहित ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। रोहित के लिए हालांकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में खेलने की राह आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना को लेकर लगाए गए सख्त नियमों की वजह से रोहित को 14 दिन के क्वारंटाइन रहना होगा। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने कहा है कि रोहित को क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद भी एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। बीसीसीआई ने कहा कि भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपनी रिहैब प्रक्रिया पूरी कर ली है और वो फिट है। रोहित को आईपीएल में मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हुई थी। वो 19 नवंबर से एनसीए में रिहैब पर थे। बयान में कहा गया है कि एनसीए की मेडिकल टीम रोहित की फिजिकल फिटनेस से पूरी तरीके से संतुष्ट है। मेडिकल टीम ने उन्हें बल्लेबाजी, फील्डिंग और विकेटों के बीच दौड़ जैसे पैमानों पर परखा है और उनकी स्थिति से वो संतुष्ट है। उन्हें हालांकि अपनी ताकत पर काम करना होगा। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर वो 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन रहेंगे और फिर टीम के साथ जुड़ जाएंगे। बयान में लिखा गया है कि 2 सप्ताह के क्वारंटाइन के लिए उन्हें डिटेल प्रोग्राम दिया गया है। क्वारंटाइन के बाद मेडिकल टीम एक बार फिर उनकी जांच करेगी और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनके हिस्सा लेने पर फैसला करेगी। रोहित को शुरुआत में टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई थी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि विराट की अनुपस्थिति में रोहित के आखिरी 2 टेस्ट मैचों में हिस्सा बनने से टीम को बड़ी राहत मिल सकती है। बड़ी बात यह है कि रोहित के खिलाफ इतनी बड़ी नाइंसाफी बीसीसीआई कैसे कर सकता है? क्या आपको बार बार फिटनेस टेस्ट लेने जरूरी है? ये एक बड़ा सवाल है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।